डालना ही पड़ गया क्योंकि सही से पीस नहीं रही थी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरीके से हमने दाल को पीस लिया है और इसमें लहसुन है, हरी धनिया है, मिर्चा है, ये भी हमने सब पीस लिया था। इस समय ना हरी धनिया दिख नहीं रही है क्योंकि हरी धनिया जब हम दाल को नहीं डालते तो दिख नहीं रहती है। जब हम पहले बनाते हैं पकौड़े और चाय, सो गाइस यहाँ पर हमारे पकौड़े ना छोटे छोटे पक गए हैं और हम जो है ना पकौड़े पर हमने मसाले का घोल भी बना लिया है, जैसे कि सूखा मसाला है, गरम मसाला है, धनिया है, हल्दी है। इसके बाद जब हमारा पूरी तरह से तड़का हो जाएगा, बिना करे करी पत्ता डाल दीजिए तो करी पत्ता की ना खुशबू अच्छी हो जाती है। तो करी पत्ता है, तड़का हमारा अच्छे से हो गया था। इसके बाद ये पूरा जो हमने मसाला घोल करके रखा था इसको भी हम डाल देते हैं। और मसाला ना पकते पकते जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक समझ लीजिए कि आपका मसाला नहीं पका है। तो हमारा मसाला अच्छे से पक गया था और मीना चावल बीन रही हैं, इधर हमारे मुंगौड़े बन गए थे और थोड़ी दाल ना हुई मुंगौड़े की बच गई थी। तो इसी में हम तड़के में और मसाले के साथ ना वो दाल को भी डाल करके अच्छे से भून लेते हैं। इसको थोड़ी भूंजने में टाइम लगता है क्योंकि भूंज लेंगे तो बाद में यानी कच्चे कच्चे की ना खुशबू नहीं आएगी, यानी सोधापन रहेगा। और इसके बाद ना इसमें हम डालते हैं पानी, पानी के बाद डाल देंगे थोड़ी नमक यानी स्वाद अनुसार। और जब अच्छे से बॉयल होने लगेगा तभी इसमें हम डालेंगे मुंगौड़े। तो यहाँ पर हम लोगों का दोपहर का भोजन तैयार है और सासू माँ बच्चे सब लोग ना सिरी पे खिला रहे हैं। बच्चे ना छोटे घर की शान होते हैं, जब से सिरी आई है ना तो पूरा दिन ऊपर नीचे ना हम लोग ना इसी में लगे रहते हैं, यानी भोजन पानी भी कभी कभी भूल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा करायल बन करके तैयार है। रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, वैसे तो चावल के साथ ना हमको बहुत ही पसंद है करायल। और दोपहर में ना 12:30 बज रहे थे तो यहाँ पर हम बच्चे सब लोग सिरी के साथ खेले और देखिए कितनी मस्ती पे लगी हुई है। और हमको जाना था रजनीखंड लेकिन हमने सोचा दोपहर में जाएंगे, लेकिन दोपहर में ना इतनी तेज़ वाली धूप है तो हमने कहा थोड़ी आराम कर लेते इसके बाद ही जाएंगे। तो यहाँ पर अपने कामों में लग गए थे। और मीना बनाने जा रही यहाँ पर ये दाल में डालने वाली खटाई। तो ये खटाई ना अच्छे से सूख गई है, इसमें हींग और नमक और थोड़ी सी ना कड़ुआ तेल डाल करके अच्छे से ना मोहन लगा करके रख देंगे तो बरसात में ख़राब भी नहीं होगी और आप दाल में भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से ना हमारे शाम के काम हो रहे हैं। और आज ना थोड़ी सी हम इवनिंग वॉक भी कर लेते हैं, अपनी श्री बिटिया के साथ बाहर निकल आए हैं, अच्छा भी लग रहा है। आज का मौसम भी थोड़ी से ठीक ठाक है, इतनी धूप भी नहीं है लेकिन हवा नहीं चल रही है इसीलिए ना उमस वाली गर्मी है। और यहाँ इसको भी अच्छा लग रहा है, देखिए अब तो सबको पहचानने लगी अच्छे से। देखिए गाइस श्री से मिलिए, श्री हेलो करो। ये अपना कपड़ा हटाने लगी, हम करें श्री हेलो। सो गाइस हम जा रहे हैं रजनीखंड, थोड़ी समय लगा दो क्या, हम ऊपर टंकी पड़ता है। श्री की मम्मी चली गई घूमने ना, श्री मम्मा कहाँ गए, मम्मा घूमने गई हैं, अपने फ्रेंड से मिलने गई हैं मम्मा। वो गलती से चला कमरे इधर ऊपर थे। नचू 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 नचू। छोटे बच्चे ना घर की शान है, पूरा दिन यानी टाइम का पता ही नहीं चलता है ना गोविंद। आज तो गोविंद पूरा दिन इसको खिलाया है, पूरा दिन लाडू। चले गए 6:30 बज रहे हैं, गर्मियों में ना 5:30 बजे तक इतनी धूप रहती है कि बाहर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। अब एकदम से धूप, थोड़ी थोड़ी धूप है, बिल्कुल हल्की फुल्की वाली धूप, सीधे अब जा रहे हैं। सो
सो गाइज हम आ गए हैं रजनीखंड और आज यहाँ ना थोड़ी कुछ काम यानी शुरू करवा दिया था हमने। काम क्या है, ये नीचे का जो अपना हाल था ना इसको हमने रेंट पे तो दिया ही है, तो यहाँ पर बच्चों की कोचिंग है और यहाँ पर एक एसी तो लगी हुई है लेकिन दूसरी एसी लगना था और वही भैया जी बुला लिए थे कि थोड़ी समय के लिए आ जाइए भाभी, देख लीजिए कि कहाँ पर एसी लगाना है, तो आना ही पड़ता है। और हमारे लिए ना तो बहुत अपने भाग दौड़ वाले काम हो जाते इस समय ना, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं, गला एकदम से भारी भारी सा हो रहा है, इसीलिए आप लोग आवाज़ से हमारे समझ सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ एसी भी लग गई है और ये सुबह का अपना ब्लॉक है यानी सुबह के फूल पाती लेकर के हम आ गए हैं भगवान जी की पूजा के लिए। और इस समय ना पूरा ब्लॉक इकट्ठा नहीं हो पाता है क्योंकि जिस घर में ना छोटे बच्चे हो ना तो बच्चों में लग जाओ, और जो बड़े बच्चे हैं वो बड़े बच्चे छोटे बच्चों से ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस समय हमने मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दिया है क्योंकि मायके से ना इतना खा पी करके आए ना, तो जितने भी हमारे सूट हैं इतने टाइट हो रहे हैं। सच बताएं कभी कभी माता रानी से कहते हैं कि अगर एक हफ्ता ना हमको फीवर आ जाए ना तो हमारी थोड़ा सा मतलब मोटापा हमारा थोड़ा कम हो जाए और सूट भी फिट होने लगे, क्योंकि सूट है ब्लाउज है अगर टाइट होने लगते ना तो अपने आप को इतना टेंशन होता है कि यार चलो फिर से उसको खोलते हैं, फिर सिलाते हैं, फिर ये करते हैं। इसीलिए ना थोड़ा फिट रहो तो ज़्यादा ही सही रहता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को ना देखने में भी अच्छा लगता होगा। वैसे भी पिछले ब्लॉग में जब हम मायके में थे ना तो काफ़ी कमेंट आते थे कि इस समय ना आप मोटे होते जा रहे हो, ध्यान दीजिए, लेकिन उस समय हमने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि आप लोग तो देखते ना इतने भाग दौड़ वाले काम थे, लेकिन पता नहीं यार कैसे मोटापा आया। कुछ तो हम समझ सकते हैं कि हम ना वहाँ पर पेठा बहुत खाते थे, पेठा और फिजका ठंडा पानी पीते थे, इसीलिए हमारा मोटापा थोड़ी सी बढ़ गया था। और यहाँ पर फूल बेलपत्र अच्छे से ना इसको धुल करके रख लेते, वैसे फूल तो नहीं धुलेंगे, जो बेलपत्र है और जितनी पत्तियाँ मिलती है ना, भोले बाबा को पत्तियाँ बहुत ही पसंद है तो सब पत्तियाँ भी तोड़ लाते हैं। और स्नान करने के बाद ना अपने किचन के आज ज़्यादा कुछ काम नहीं थे क्योंकि दिन था मंगलवार, सिर्फ मनु को ही जाना था स्कूल, तो हमने दो आलू की सब्जी और रोटी उसके लिए बना दिया था, वो स्कूल भी चले गए, पूजा पाठ भी हो गया था। इसके बाद ना जो अपने छोटे मोटे काम है ना वो कामों में लग गए हैं। तो ये हमारा सित्तू है, सित्तू को अच्छे से चाल करके रख लेते हैं डिब्बे में, क्योंकि कभी कभी होता है ना दोपहर में भी ये आते हैं या बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी सित्तू बहुत ही पसंद है, इसीलिए सामने ही रखा रहता ना तो सब लोग खाते रहते हैं। और ये गर्मियों में ही सत्तू पसंद आता है सबको, इसके बाद जब बारिश शुरू हो जाएगी ना तो फिर आप सत्तू नहीं खा सकते, उसका टेस्ट ना अजीब सा हो जाता है। अब हम सीरी बिटिया के ना जितने गिफ्ट मिले हुए हैं, काफ़ी गिफ्ट मिल गए हैं, जो पास में हमारी आंटी जी, दीदी जी और सीरी बिटिया की मामी रहती हैं वो काफ़ी गिफ्ट दी हैं। तो यहाँ पर जितने भी गिफ्ट हैं ना सब बच्चे लेकर के आ गए, कह रहे माँ सीरी को ना अच्छे से सजाओ, जितने भी इसके बैग वगैरह मिले हैं ना सब इसको पहना दो और बोलो कि इसमें मनी रखना शुरू करें। तो इस तरीके से ना इसके हम ड्रेस देख रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि चलो इसको पहनाया जाता है। तो एसी ऑन है यानी रूम भी ठंडा है, वैसे बाहर तो बहुत तेज़ वाली गर्मी है, तो हमने कहा ना इतने हैवी वाले कपड़े ना बच्चों को पहनाना बहुत मुश्किल का काम है, वैसे ठंडियों में आप पहना सकते हो बट गर्मी में तो बहुत ही मुश्किल है, जितने हल्के कपड़े पहनेंगे उतने ही बच्चे खुश रहेंगे। हेलो श्री क्या कर रहे हो, नया नया ड्रेस पहने हो, बहुत क्यूट लग रहे हो आप। हेलो श्री कैसे हो, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, बच्चों के साथ खेलने के बाद ना अब हम खाली हुए हैं, टाइम ने 2:30 बज रहे हैं। तो जिस घर में बड़े होते हैं ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। कल जो चना हमने धूप में डाला था और धूप में डालने के बाद ना इसको किप्पी में भर के रख लिया था, लेकिन सासू माँ ने देखा तो बोली शोभा इसमें इतना कूड़ा है, इसको साफ़ करके रखी होती तो ज़्यादा ही सही रहता। तो हाँ कुछ बड़ों से ना कुछ अच्छी बातों की सीख भी मिल जाती, इसीलिए बड़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह हम चलनी में डाल करके और इसका कूड़ा भी साफ़ कर रहे, मीना भी आ गई थी तो मीना को ना इस तरीके से छोटी सी सुपुलिया में साफ़ साफ़ करके डाल भी रही है। तो चना हम साफ़ करके ही किप्पी में भर करके रखेंगे। शाम हो गई यानी शाम के ना 5:30 बज गए हैं, चना बनाते बनाते आज पूरा दिन लग गया। अभी हम 4 बजे भोजन किए हैं, लेकिन हाँ हमारी कढ़ी ना इतनी टेस्टी वाली बनी थी, इतनी खट्टी वाली बनी है ना कि मन खुश हो गया खा करके। अभी श्री सो रहे हैं, श्री जग जाए तो उनके मालिश कर देते, इसके बाद चलते हैं छत में धुल लेते हैं अपने गेहूँ भी हमारे पड़े हुए हैं। मौसम भी थोड़ा ठीक है, धूप नहीं है ज़्यादा। हमने मीशो से मंगवाया था ब्लाउज़, तो हमारा ब्लाउज़ भी आ गया, अभी अभी इसकी पैकिंग खोले हैं। और ये ब्लाउज ना इस तरीके से है यानी कॉटन में है, बहुत ही अच्छा ब्लाउज है, आपको दिखा रहे हैं यानी दोनों आस्तीनों में ना इस तरह तागे से कढ़ा हुआ काम है,
दोनों आस्तीनों में ना तागे से कढ़ाई है और बैक साइड भी ये देखिए तागे से कढ़ाई है, यानी बहुत ही सुंदर है और प्योर कॉटन है। किसी भी साड़ी के साथ ना हम डाल सकते हैं। अब तो ना हम मीशो से ब्लाउज ही मंगवा लेते हैं, सिले सिलाए सही भी रहता है। यहाँ सिलने के लिए दो ना तो सिल करके जल्दी ब्लाउज नहीं देती हैं, बहुत ही परेशानी हो जाती है। जब ब्लाउज दे दो और सिल के ब्लाउज भी नहीं आता है ना, तो बस जा करके इन्हीं बुटीक वालों को ना झाँक ताक करते रहो, ब्लाउज देती नहीं जल्दी। तो चल सिरी बिटिया के मालिश करने के बाद ना हम आ गए छत में, तो धूप भी एकदम से कम हो गई थी। तो हमने सोचा चलो ये पहले जो छोटा वाला चना है चालने के बाद निकला हुआ है, इसको पानी में डाल करके अच्छे से धुल लेते हैं। लेकिन हाँ, टंकी में देखें तो पानी एकदम से नीचे था, लेकिन फिर भी हम छोटा वाला डिब्बा ले आए थे। छोटे वाले डिब्बे से बोर बोर के किसी तरह हमने पानी निकाल लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने चना भी धुल लिया, जितनी भी चने की मिट्टी है सब पानी यानी निकल गई, मिट्टी घुर गई, चना हमारा अच्छे से साफ हो गया था। फिर वो पानी को हमने हटा दिया और दूसरा पानी हमने इस तरीके से बड़ी बाल्टी में भर लिया और गेहूं को डाल रहे हैं। गेहूं को ना इस चलनी से निकालेंगे, वैसे ये हमारी लोहे की चलनी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ना मायके साइड ना छोटी छोटी ना जो बांस की डलियाँ रहती है ना, उससे बहुत अच्छी तरीके से गेहूं धुला जाता है। लेकिन ये हमारी बांस की डलियाँ थोड़ी बड़ी है, छोटी डलियाँ नहीं है। और कुछ चीज़ें आप लोगों से बताएं, कभी कभी ना जब ये हम काम करते हैं ना तो मायके की अपनी नानी की बात याद आती है। नानी बोलती थी कर ले सीख ले शोभा, गेहूँ धुलना सीख ले, दाल दलना सीख ले। लेकिन हम मायके से कुछ भी नहीं सीखते थे, लेकिन हाँ जब अपने ऊपर पड़ा है तो हम सब कुछ कर लेते हैं। हम बहनों में कुछ होता है कि मायके की जितनी भी मस्ती रहती है ना ससुराल में पूरी हो जाती है। तो हमारे गेहूँ भी धुल गए, चने भी धुल गए, और करना भी चाहिए गाइस। और जितना मोटापा है ना मायके का, खाया पिया शरीर है ना, अब धीरे धीरे करके ना अपने काम यहाँ के करेंगे ना तो अपने आप ही हम फिट हो जाएंगे। तो छत की धुलाई भी हो गई है, शाम के ना 6:30 बज रहे हैं, पूरे छत की धुलाई भी कर दी है। कल हमको यहाँ पर गेहूँ भी डालना होगा और आज ना मौसम बहुत ही अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही, तभी इतने हमारे काम भी हो गए छत के। अब चलते हैं शाम के पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर भोजन पानी की तैयारी करते हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं, ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही अपनी बुआ को दीदी को प्यार देते रहिए। आज तो पूरा दिन काम ही काम में निकल गया, बहुत ही थकावट हो रही है। जय माता दी गाइस।